हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और बहुत दिनों से सीएससी सेंटर चलाते हैं, या फिर न्यू सीएससी वीएलई हैं और अभी अभी हाल ही में अपने सीएससी आईडी आपने ली है और अभी उस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बैड न्यूज है। अभी एक न्यू नोटिस जारी किया गया है सीएससी की ऑफिशियल साइट से, और हमारे दिनेश त्यागी सर ने भी ट्वीट किया था एक दो दिन पहले, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से भी सभी को सूचित किया जा रहा है और मैसेज दिया जा रहा है। ग्रुप में भी सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप अपने सीएससी पे कुछ ना कुछ वर्क करते रहें, ठीक है। हमारे डीएम सर ने हमें ये मैसेज भेजा कि वीएलई ध्यान दें, बिना लेन देन और बिना पुलिस वेरिफिकेशन वाली 53,505 सीएससी आईडी को सिस्टम से हटा दिया गया, ठीक है। यानी आपको अपने सीएससी आईडी पे वर्क करना है। देखिए, ये जो बताया गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन और बिना लेन देन, आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में ये जो आपकी आईडी मिली हुई है, आपको कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना है, जैसे पैन कार्ड की सर्विस हो गई। ये मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि आप क्या करेंगे ताकि आपकी आईडी सुरक्षित और सेफ रहे, कि कभी भी सिस्टम से डीएक्टिवेट नहीं होगी और आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ये फ्यूचर के लिए आपके सीएससी आईडी को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए काफी अच्छी वीडियो है। चलिए आईडी को लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो रहा है। अगर आप इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एरर आता है। देखिए, ये एरर कुछ इस तरीके से होता है। एक हमारे फ्रेंड है, उनको ये एरर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि ये नॉर्मली ऐसे ही हो रहा है, अपडेट कुछ ना कुछ तो अपडेट होता रहता है, लेकिन ये रियल है, आईडी डीएक्टिवेट हो रही है। अगर आपको वर्क करना है तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। ये है स्क्रीनशॉट। जैसे आप अपने आईडी को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आएगा, इट सीम योर अकाउंट इज बीइंग नॉट कॉन्फिगर, प्लीज चेक बैक लेटर। यानी आप डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जैसे इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा और लॉगिन भी नहीं होगा। केवाईसी करने जाएंगे तो केवाईसी भी जल्दी से नहीं होता है इसके। हालांकि केवाईसी करके आप एक बार चेक कर सकते हैं कि केवाईसी होती है कि नहीं। तो गाइज, आपको बताना है कि आप किस तरीके से अपने आईडी को सेफ रख सकते हैं। बहुत सारी सीएससी में सर्विसेज हैं, जैसे बिजली बिल पे करना, रिचार्ज करना, ठीक है, इंश्योरेंस पे करना, फास्टैग की सर्विस है और बैंकिंग की सर्विसेज अगर आपके पास बीसी है। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास बीसी आईडी है उन्हीं का ब्लॉक हो रहा है, उन्हीं की आईडी डीएक्टिवेट हो रही है, जिनके पास बीसी नहीं है उनकी भी डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जिनके पास बीसी है क्या उन्हीं का होगा या फिर सबकी होगी, तो फैंस ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास बीसी है उनका भी ब्लॉक हो जाएगा अगर आप वर्क नहीं करेंगे। तो उनको करना क्या है, आपको महीने में एटलीस्ट 10 ट्रांजेक्शन आपको करना है किसी भी सर्विस पे। तो आपको इसको सेव करने के लिए आप किसी न किसी सर्विस को यूज कीजिए, जैसे कि आप बैंकिंग में डीजीपी का आप यूज कीजिए ज्यादा। डीजीपी अगर यूज करेंगे तब भी आपकी सीएससी आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं होगी, वो चलती रहेगी। डीजीपी आप यूज करेंगे, डीजीपी कैसे करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप डीजीपी को चलाते रहेंगे, महीने में एटलीस्ट 5 ट्रांजेक्शन भी आप करते रहेंगे, तब भी सीएससी आईडी आपकी ब्लॉक नहीं होगी सीएससी के सिस्टम से। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई सर्विस भी नहीं है, तो आप डीजीपी को कम से कम एटलीस्ट यूज करते रहिए, उसमें ट्रांजेक्शन करते रहिए। महीने में 5-10 तो कर ही देंगे इजिली। आप 500 रुपए का, 1,000 रुपए का लोगों का कैश विड्रॉल कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। पैन कार्ड की है, पैन कार्ड आप अगर किसी का बनाते हैं, महीने में अगर 4-5 पैन कार्ड भी बनाते हैं तब भी आपकी आईडी सेफ एंड सिक्योर रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिचार्ज कर देते हैं किसी का, ठीक है, तब भी होगा, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर देते हैं किसी का, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के, टोटल मिला के आप एटलीस्ट 10 ट्रांजेक्शन कर दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे महीने में 0 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सीएससी आईडी लेने के बाद आपको कुछ ना कुछ वर्क करना है, ऐसा नहीं कि खाली आप बैठे आईडी ले ली और ऐसे ही बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ तो काम आपको करना होगा। तो ये सीएससी की तरफ से ये अपडेट किया जा रहा है कि जो निष्क्रिय सीएससी आईडी हैं, यानी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जो जिन आईडी पे वर्क नहीं हो रहा है, उनको सीएससी अपने सिस्टम से डीएक्टिवेट कर रही है, ठीक है। तो आप इससे पहले कि आपकी सीएससी आईडी डीएक्टिवेट हो, आप कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते रहिए, ठीक है। पैन कार्ड बनाएंगे, डीजीपे यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कीजिए, बहुत सर्विसेज हैं, आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएम किसान है, पीएम किसान में भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तब भी आपकी सीएससी आईडी, मतलब वर्क आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, ऑफेंस ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। ऑफेंस एक चीज और, बिना पुलिस वेरिफिकेशन वाली, जिनके पास बीसी सेंटर है पुलिस वेरिफिकेशन करा लेंगे, और नहीं भी है बीसी सेंटर तब भी आप पुलिस वेरिफिकेशन एक बार करा लीजिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप ऑफलाइन जाके भी अपने थाने में या फिर पुलिस चौकी में जाके करा सकते हैं। गाइज, ये है अपने सीएससी आईडी को
सेफ एंड सिक्योर रखने का, कुछ ना कुछ आपको ट्रांजेक्शन मिनिमम 5 से 10 कर देना है। जिनके पास पूरा सेटअप नहीं है वर्क करने का उनके लिए है। बाकी फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करने के लिए आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे एक्टिव रहिए। आने वाली बहुत सी सर्विसेज हैं जो सीएससी आपको खुद ब खुद प्रोवाइड कर देगी, आपके सिस्टम में एनेबल कर देगी। सीएससी सिस्टम को सब पता रहता है कि कौन कितना वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स जिनकी आईडी ऐसे हो गई है, ठीक है, जिनकी आईडी ब्लॉक हो रही है तो इसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा प्रोसेस है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है, और रिक्वेस्ट करना होगा कि सर आज से हम वर्क करेंगे, ठीक है, आप इसको प्लीज रीएक्टिवेट कर दीजिए, वो फिर से दोबारा कर देंगे। लेकिन वर्क आपको करना होगा, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। गाइज ध्यान रखिए इस चीज को, रीएक्टिवेट आपका इजी हो जाएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको बता देंगे कि सर ये प्रॉब्लम हो गई है, और अपनी प्रॉब्लम बता देंगे कि सर ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं था और काम नहीं कर रहा था, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, अब काम करके हम देंगे आपको, तो फिर से दोबारा वो एनेबल कर देंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।